स्टूडेंट वेलकम टू पूसा ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर टीचर विशाली कौर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। जैसे कि हम लोग वैल्यू एडेड मेथड को समझ चुके हैं, तो अब प्रिकॉशंस की बात करते हैं। आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी मेथड हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, हर किसी की प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि प्रिकॉशन जब तक नहीं लेंगे तब तक वो मेथड कंप्लीट नहीं कंसीडर होता, और प्रिकॉशंस के बेस पे आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप प्रिकॉशन पे मूव करते हैं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन है इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जो अभी प्रोडक्शन में हैं, जो अभी रीसेल करे जाएंगे। ठीक है, अभी तक वो फाइनल गुड नहीं बने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है सीड, अगर सीड में मैंने एडिशन करके उसको वीट बनाया, तो इसका मतलब सीड मेरा कैसा है? इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड नहीं करे जाते। ठीक है, सेकेंड प्रिकॉशन जो आपको लेनी है वो ये है कि जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं वो भी इंक्लूड नहीं होते हैं। क्यों इंक्लूड नहीं होते हैं? क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स ऑलरेडी जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम वो सेल हुए थे, वो एड ऑन हो चुके थे। ठीक है जी, फिर हमारा आता है थर्ड प्रिकॉशन जो हमें लेनी चाहिए, वो ये है जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो हम उसको भी उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, क्या हम उसको इंक्लूड करते हैं? अब आप बताइए मेरे को, जब हम प्रोडक्शन करते हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद की कंजम्पशन के लिए जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से आपको कुछ इनकम जनरेट हो रही है? नहीं हो रही। तो इसका मतलब प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, बहुतों को लग रहा होगा यार कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यार ये तो चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, बट नहीं, जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो इंक्लूड नहीं होगा। बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, हाउसवाइफ होती हैं, हाउसवाइफ जो मम्मा होती हैं घर पे, मम्मा खाना बनाती हैं, वो प्रोडक्शन कर रही हैं, तो जब वो प्रोडक्शन कर रही है आप कंज्यूम कर रहे हैं, बट उसके लिए आप पेमेंट नहीं करते, तो वो क्या है? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो भी इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, बट यहाँ पे प्रोडक्शन किस चीज़ की बात हो रही है? एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है सर्विसेज की। ठीक है, यहाँ सर्विसेज की बात हो रही है, जो भी सर्विस मम्मा ने प्रोवाइड करी, जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड हो रही है वो इंक्लूड नहीं होगी। बट अगर हमने प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन करा है गुड्स का, प्रोडक्शन करा है गुड्स का, और उसको हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा? क्योंकि वो हमने प्रोडक्शन करा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, फार्मर ने जब सीड से वीट ग्रो करा, तो उन्होंने सेल्फ कंज्यूम, खुद भी कंज्यूम किया होगा, बट इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ जनरेट हुआ है और उसकी वजह से भी इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड करा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ प्रिकॉशन आपको लेनी है वो ये लेनी है, जो इम्प्यूटेड वैल्यू होती है आपकी, किसकी? ऑक्यूपाइड हाउसेस। इम्प्यूटेड वैल्यू होती है ऑक्यूपाइड हाउसेस की, तो वो भी हमारा जो है इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब हम इसको कंसीडर कर सकते हैं मिक्स्ड इनकम की तरह। मिक्स्ड इनकम का मतलब रेंटेड हाउस की तरह इसको इंक्लूड कर सकते हैं, उसकी भी एस्टीमेशन इंक्लूड होती है।
ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही है, क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं हो रही, ये प्रिकॉशन में हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, प्रिकॉशन में देखते हुए चलते हैं। तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से लर्न करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और मैं समझा देती हूँ इसी वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड। वैल्यू एडेड मेथड में एक प्रॉब्लम आती है जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम कंसीडर होती है, उस प्रॉब्लम का नाम होता है, उस प्रॉब्लम का नाम मैंने बताया, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है, एग्जांपल के लिए देखो, फॉर एग्जांपल सीड है, सीड की कॉस्ट है 10 रुपीस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रुपी 10 लिख देती हूँ, रुपी 10, ठीक है। सीड जब वीट में कन्वर्ट हुआ तो इसका जो प्राइस था वो बन गया 30 रुपीस, ठीक है। अब वीट जब फ्लोर में कन्वर्ट हुआ, आटे में कन्वर्ट हुआ, तो इसका प्राइस बन गया फॉर एग्जांपल 60 रुपीस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ज़रा, 30 में सीड का प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड है, राइट। तो और 60 में 30 और 10 का प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये डबल काउंटिंग होता है। अगर मैं सीड का प्राइस भी ले लूँ, वीट का प्राइस 30 ले लूँ, फ्लोर का प्राइस 60 ही ले लूँ, तो अब प्रॉब्लम क्या अराइज होगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। हम दो बार काउंट कर रहे हैं, सीड का प्राइस, वीट का प्राइस, ठीक है। इसकी वजह से जो मेरी नेशनल इनकम में इनकम आएगी, जो इनकम जनरेट होके आएगी, वो इनकम मेरी ज़्यादा आएगी। कैसे, अब मैं क्या कह रही हूँ आपको, मैं कह रही हूँ कि मैं जो टोटल अमाउंट ले रही हूँ, मैं 40 + 60 दैट इज 100 रुपीज़ नेशनल इनकम इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। बट जो एक्चुअल वैल्यू इंक्लूड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 जो सीड में गया, 30 जो वीट में गया और 60 जो फ्लोर में गया। इन सबको जब हमने ऐड करा तो 100 आया, ठीक है। बट इसमें से मैं परचेजेस भी माइनस करूँगी। परचेजेस कौन कौन सी है, परचेजेस हैं हमारी, यहाँ देखो, वीट वाले के लिए 10 रुपीज़ का परचेज है, फ्लोर वाले के लिए 30 रुपीज़ का परचेज है। तो इन जर्नल मेरा 40 रुपीज़ का परचेज एड ऑन हो रहा है। तो अगर मैं इसमें से 40 रुपीज़ माइनस कर देती हूँ तो एंड रिज़ल्ट क्या आएगा, 60। मतलब जो फ्लोर है उसका ही सिर्फ अगर प्राइस नेशनल इनकम में मैं इंक्लूड करूँगी तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ राइट मेथड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमारे पास मेथड आता है, उस मेथड का क्या नाम है, वैल्यू एडेड मेथड, जो हमने पढ़ा। तो वैल्यू एडेड मेथड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड करता है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।